हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरप्रीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, मुल्तानी मल मोदी कॉलेज. टुडे आई हैव ब्रॉट टू यू अ वेरी फेमस नॉवल समराइजेशन, दैट इज़ द स्ट्रेंजर. द सेम नॉवल इज़ ऑल्सो नोन एज द आउटसाइडर. सो इट इज़ रिटन बाय फेमस राइटर एल्बर्ट कामू. सो लेट अस टॉक अबाउट एल्बर्ट कामू. Albert Camus was born in 1913 and died in 1916. So it means he had a short life of around 40 to 45 years. He was Algerian born French philosopher, author, dramatist and journalist. Let me tell you about the entire thing in Hindi language so that it become easy for you to understand. Algeria born फ्रांस फ्रेंच फिलोसोफर है. ये फ्रेंच फिलोसोफर पर इसका जन्म अल्जीरिया में हुआ. अल्जीरिया जो कि अफ्रीकन कंटिनेंट का एक देश है, वो वहाँ पे इसका जन्म हुआ क्योंकि फ्रांस की कॉलोनी थी अल्जीरिया. तो ये फ्रेंच फिलोसोफर रहा, ऑथर रहा, ड्रामेटिस्ट, नाटक भी इसने लिखे और इवन ये एक जर्नलिस्ट था, पत्रकार भी रहा. ये इसको फेमस क्या चीज़ बना देती है? वट इज़ द थिंग डैट मेड हिम फेमस? डैट ही रोट नॉवल्स एंड फॉर डैट ही वॉज गिवन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर एट द एज ऑफ 44. 44 साल की एज में उसको नोबेल प्राइज़, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है, वो उसको मिला. उसके बड़े पॉपुलर नावल हैं जैसे कि स्ट्रेंजर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. प्लेग नावल उसका बहुत फेमस था. उसने एक ऐसे लिखा द मिथ ऑफ सिसिफस, द फॉल उसका नावल है, द रेबल उसका नावल है. कामू का फ्रेंच अल्जीरिया में इसका जन्म हुआ और ये गरीब था, बहुत गरीबी इसने झेली है और यूनिवर्सिटी ऑफ अल्जीरस में इसने स्टडी की थी. उसके बाद वो पेरिस में रहा और वर्ल्ड वॉर टू जब हो रही थी तब वो पेरिस में था, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में था. और कामू इवन जो एक मूवमेंट हुआ फ्रेंच रेजिस्टेंस के नाम से, जिसको जाना जाता है, तब उसमें इसने पार्टिसिपेट किया. और उस टाइम का एक आउटलॉड न्यूज़पेपर था कॉम्बैट, उसका ये एडिटर इन चीफ था जो कि उस समय की गवर्नमेंट के खिलाफ आर्टिकल्स देता होता था. वॉर के बाद वो एक सेलिब्रिटी फिगर बन गया और उसने पूरे संसार में उस टाइम में लेक्चर्स दिए. उसकी दो बार शादी हुई और कुछ उसके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी थे और वो पॉलिटिकली एक्टिव था. और उसने, जैसे हम जानते हैं कि जोसेफ स्टालिन सोवियत यूनियन का जो प्रेसिडेंट था, वो उसका रूल अथॉरिटेरियन था, टोटलिटेरियन उसकी गवर्नमेंट थी, तो उसको भी एल्बर्ट कामू ने अपोज़ किया. जैसे कि हम जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल्स एनिमल फार्म और 1984 में हम देखते हैं. फिलोसॉफिकली अगर उसकी बात करें तो उसके जो थॉट्स हैं वो एब्सर्डिज्म की बात करते हैं. उसके कितनी नॉवल हैं जो एब्सर्डिटी की बात करते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. और एब्सर्डिटी के साथ साथ वो एक एग्जिस्टेंशलिस्ट के रूप में भी सामने आता है. तो एग्जिस्टेंशलिस्ट इज़ समवन हु प्रैक्टिस दी फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म, इसकी भी हम बात करेंगे आगे. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि एब्सर्ड क्या होता है, एब्सर्डिज्म क्या होता है, क्योंकि ये इस थॉट के बिना हम जो नॉवल है द आउटसाइडर उसको हम नहीं समझ पाएंगे. सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट टू फिलोसफीज. वन इज एब्सर्डिज्म एंड सेकेंड इज एग्जिस्टेंशलिज्म. I'll tell you in a very clear way about both philosophies. तो कामू ने एब्सर्ड के बारे में बताया था. जब आप इसको डिक्शनरी में एब्सर्ड का मीनिंग देखते हो तो आपको पता लगेगा कि समथिंग दैट इज़ इलॉजिकल, इरेशनल, कोई चीज़ जो कि तर्क के आधार से नहीं है उसको एब्सर्ड कह दिया जाता है. 1960s, 1940s, 50s, वर्ल्ड वॉर टू के बाद कुछ ऐसा समय आया कि जो परमात्मा में यकीन रखते थे उनके घर परिवार से लोगों की डेथ हुई.
हत्या हुई या आप कह सकते हो कि कैजुअलिटीज़ हुई, उनके कारण लोगों के अंदर एक एब्सर्ड एटीट्यूड उनके अंदर आ गया। एब्सर्ड एटीट्यूड यानी कि वो जो लोग जो कि परमात्मा में यकीन रखते थे और उनके लिए परमात्मा ने एक मीनिंग बनाया हुआ था उनकी लाइफ में कि एक अर्थ है, और वो अर्थ अचानक से ख़त्म हो जाए तो मतलब जो एक ऑर्डर है वो डिसऑर्डर में तब्दील हो जाता है। तो एब्सर्ड क्या है? एब्सर्ड का मतलब है कि भाई लोग लगे हुए हैं सर्च में कि ये जो संसार है इसका मीनिंग जान लिया जाए, पर ये एब्सर्ड तो ऐसा एब्सर्ड है ये जिसमें ना तो भगवान है ना ही कोई अर्थ है। तो बिना अर्थ के, बिना भगवान के जो ज़िंदगी आदमी जीता है वो एब्सर्ड में ही जीता है, क्योंकि अर्थ के साथ ही और भगवान के साथ ही आम मनुष्य ज़िंदगी को एक अर्थ देता है। तो एब्सर्डिज़म जो है वो है कि भाई टेंशन चल रही है, आदमी कहता है कि भाई मैंने मीनिंगफुल लाइफ जीनी है, बट लाइफ जो यूनिवर्स है उसमें तो कोई ऑर्डर है ही नहीं, वो तो मीनिंगलेस है, पर जो मनुष्य है वो मीनिंगफुल लाइफ के लिए भागा हुआ है वो, और जबकि यूनिवर्स है वो कहता है कि भाई मीनिंग तो नहीं होगा इस ज़िंदगी में। तो ये जो एब्सर्ड है, एक इलॉजिकल लाइफ, मीनिंगलेस लाइफ, ये आइडिया कमू ही इसका जन्मदाता है, इस आइडिया का, एब्सर्ड का। उसने इसके बारे में द मिथ ऑफ सिसिफस नाम के एस्से में, जो कि 1942 में उसने पब्लिश किया ये एस्से, उसमें उसने बताया, जिसमें उसने सिसिफस की प्रॉब्लम को बताया कि सिसिफस है वो एक गोल पत्थर को जो कि ह्यूमन की लेंथ जितना एक गोल पत्थर है जिसको बोल्डर कहा जाए, वो एक चट्टान के ऊपर उस बोल्डर को चढ़ा रहा है, पर जो चट्टान है वो उसकी पीक जो है वो समतल नहीं है, जिसके कारण वो जो पत्थर है वो नीचे फिर गिर आता है, और वो जो सिसिफस है वो दोबारा से फिर पत्थर को रोल करके चोटी पर ले जाता है, फिर वो नीचे गिर जाता है। तो ये जो है वो बार बार उसके साथ एक ही चीज़ हो रही है, वो उसके लाइफ में क्या हो रहा है कि वो पत्थर दोबारा से फिर लेके जाएगा, ये उसकी लाइफ में एब्सर्डिटी है। तो इसी ढंग से इसको हम समझ सकते हैं कि एब्सर्डिटी क्या है, कि जो सिसिफस है वो कहता है कि भाई पत्थर को पहुंचाना ही पहुंचाना है, पर वो पत्थर वहाँ पे टिक ही नहीं पाता, क्योंकि वो जो है एक चौंच के समान वो चोटी है जो जहाँ पे वो पत्थर वो स्टैंड करने के लिए, खड़ाने के लिए वहाँ पे वो लगा हुआ है। तो इसी तरह से मनुष्य है जो अपनी लाइफ में मीनिंग क्रिएट करने की कोशिश में लगा हुआ है, पर लाइफ जो यूनिवर्स है उसकी ज़िंदगी में मीनिंगलेसनेस क्रिएट हुई हुई है। ये 1940s, 1950s, 1960s के टाइम को रिप्रेजेंट करता है कमू। आज के संदर्भ में अगर देखें कुछ चीज़ों में आपको एब्सर्डिटी नज़र आएगी, पर ज़्यादातर जो लाइफ है, जो लोग नॉवेल्स पढ़ सकते हैं उनकी लाइफ एब्सर्डिटी से नहीं है, वो कुछ ना कुछ अपना क्लैरिटी के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि हम एक शांतिपूर्ण ज़िंदगी हम व्यतीत कर रहे हैं। तो एब्सर्डिज़म का जो फिक्शन था ये 1940s, 1950s और 1960s का, इसमें यही नॉवेल्स में, प्लेज में यही दिखाया गया एब्सर्डिज़म वाले लिटरेचर में कि भाई जो है डिसल्यूजन हो चुका है जो मनुष्य है वॉर के साथ, और चीज़ें जो हैं वो उसके अनुकूल नहीं हो रही। तो और एब्सर्डिज़म की अब हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके जो नॉवेल्स हैं उनका प्लॉट स्ट्रक्चर वो ट्रेडिशनल वाला नहीं है, और इसमें इरेशनल इवेंट्स, क्योंकि एब्सर्ड लिटरेचर है तो एब्सर्ड इरेशनल इवेंट्स तो होंगे ही, तो उन इरेशनल इवेंट्स को देख के ह्यूमर भी क्रिएट होता है, और इवन जो स्टेटमेंट्स एक करेक्टर दूसरे को कर रहा है, डायलॉग कर रहा है, वो भी नॉन स्विक्विटर्स हैं, नॉनसिकल स्टेटमेंट्स हैं। अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी इसमें नज़र आती है कि अचानक से कुछ अकर हो जाता है, और एक्शंस जो करेक्टर्स कर रहे हैं वो भी बिना किसी पर्पज़ के वो करते जा रहे हैं, जैसे सिसिफस करता जा रहा था। और मीनिंग ऑफ लाइफ को क्वेश्चन किया जाता है, और एक इंडिविजुअल उस एब्सर्ड हालातों में कैसे रहता है।
शायद वो एग्जिस्ट अपने एग्जिस्ट एग्जिस्टेंस को शो करना चाहता है, और इसमें सब्जेक्टिव फीलिंग्स एग्जिस्टेंस की सब्जेक्टिव फीलिंग्स को दिखाया जाता है। तो ये रहा एब्सर्ड। तो इन एब्सर्ड सिचुएशंस में कोई आदमी, कोई मनुष्य, कोई करेक्टर जो कि लीडिंग करेक्टर है, वो मतलब अपनी एग्जिस्टेंस को शो करे, उसको एग्जिस्टेंशियल कहते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म एक फिलॉसफी थी जो कि एब्सर्डिज्म के सिंक्रोनाइज है। वो उसी टाइम एब्सर्डिज्म के टाइम ही ये फिलॉसफी आती है। इसमें क्या है कि एग्जिस्टेंस, अपनी एग्जिस्टेंस को शो करना, इस फिलॉसफी के ने ये बताया कि भाई आप एक इंडिविजुअल हो, आपकी एक खुद की एग्जिस्टेंस है और आपकी फ्रीडम है और आपकी चॉइस है। आप फ्री हो, जो चाहते हो वो कर सकते हो और आपकी चॉइस है। जैसे आप चॉइस करोगे उसको आप वैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये जो टर्म है ये एग्जिस्ट करने को कहता है। अब जब आप एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस की बात करता है तो भाई वहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस की भी बात होगी। और जैसे कि हम इस नॉवल आगे पढ़ेंगे स्ट्रेंजर में, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म वहाँ पे देखने को मिलेगा। एग्जिस्टेंशियलिज्म इंडिविजुअल्स की बात करता है, ना कि ग्रुप की। और जो एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी है ये एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करती है। इवन जो परमात्मा है, गॉड है, उसके नेचर को भी क्वेश्चन करती है। इवन परमात्मा, वैल्यूज़, रिश्ते नाते, इन सारी चीज़ों को क्वेश्चन करता है तब इंडिविजुअल, क्योंकि वो परमात्मा को नहीं मानता और वो अपने आप को एक इंडिविजुअल मानता है, एक मानता है। तो इन हालातों में वो जो करेक्टर है वो अपनी फीलिंग्स की जो सब्जेक्टिविटी है वो अपनी फीलिंग्स की बात करता है। और ये जो स्ट्रेंजर नॉवल है ये एक एग्जाम्पलर के तौर पे सेट किया जाता है कि भाई ऐसे हालातों में जो है वो उसकी एक इंडिविजुअल चॉइस है कि वो रोना चाहता है अपनी मदर की फ्यूनरल पे और नहीं रोना चाहता, क्योंकि हालात जो हैं वो दैट इज़ नॉट एज गुड एज दे शुड बी, ऐसे नहीं हैं। आगे हम बात करेंगे अब समरी की। तो आउटसाइडर जो नॉवल है अल्बर्ट कामू का, 1942 में ही ये पब्लिश हुआ, और इसमें एब्सर्डिज्म और एक्सिस्टेंशियलिज्म दोनों फिलॉसफीज़ की बात की गई हैं। इसमें जो टाइटल करेक्टर है माउर सॉल्ट उसका नाम है, वो अल्जीरिया में रहता है, एक फ्रेंच सेटलर है, और वो नॉर्थ अमेरिका का वो डोमिसाइल है, वहीं पर वो रहता है, और एक शिपिंग क्लर्क की वो जॉब करता है, यानी कि एक लो क्लास फैमिली से वो है। उसकी मदर की डेथ हुई और फ्यूनरल के कुछ दिन बाद उसने एक अरब बंदे को जान से मार दिया। वो सारी चीज़ों के हम बात करेंगे आगे, डेप्थ में बात करेंगे, क्योंकि हम समरी को अच्छे ढंग से समझेंगे। अल्बर्ट कामू ने कहा इस नॉवल के बारे में, कहता, आई समराइज द स्ट्रेंजर अ लॉन्ग टाइम अगो विद अ रिमार्क आई एडमिट वॉज हाईली पैराडॉक्सिकल। In our society, any man who does not weep at his mother's funeral runs the risk of being sentenced to death. I only mean that the hero of my book is condemned because he does not play the game. तो भाई वो कहता है कि भाई मेरा जो करेक्टर है स्ट्रेंजर में माउट सोल्ट, वो अपनी मदर के फ्यूनरल के ऊपर नहीं रो पाया और इसी कारण से उसको सज़ा मिली। कैसे सज़ा मिली, क्यों सज़ा मिली, वो हम समरी में जानेंगे। तो समरी में माउट सॉल्ट के बारे में बात करें तो माउट सॉल्ट एक शिपिंग क्लर्क है, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरस में वो रहता है, एक अपार्टमेंट में रहता है, और वो अपार्टमेंट भी एक डिलैपिडेटेड सिचुएशन में है, टूटा हुआ है, गरीब लोग जहाँ पे रहते हैं, और अपनी मदर के साथ रहता था। पर वो आजकल वो बिल्कुल अकेला रहता है क्योंकि उसने अपनी मदर को ओल्ड पीपल होम्स में भेज दिया था, मतलब जो अनाथ आश्रम टाइप हो जो होता है वहाँ पे जो ओल्ड एज लोग रहते हैं वहाँ पे वो उसने अपनी मदर को भेज दिया था, यानी कि वो ये अकेला ही रहता है। स्ट्रेंजर नॉवल का नाम भी अजनबी है, ये कैसा अजनबी है, ये कैसा आउटसाइडर है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो इस नॉवल के जो करेक्टर्स हैं, इस पेज से आप सब इसको अच्छे ढंग से समझ सकते हो।
इसकी ओपनिंग लाइन है नॉवल की, यस्टरडे मदर डाइड, कल माँ मरी, ये पहली लाइन है इस नॉवल की। और वर्ल्ड वॉर से कुछ समय पहले की इसकी सेटिंग है, और अल्जीरिया की इसमें सेटिंग है। माउट सोल्ट जो है वो उसकी मदर की रिसेंट ओल्ड पर्सन होम में डेथ हुई है, और थॉमस प्रेस जो था वो भी ओल्ड पर्सन होम में रहता था, अच्छा, जो कि उसकी मदर के साथ एक अच्छे उसके संबंध थे। और इसके अलावा माउट सोल्ट जो है वो एक उसकी कोवर्कर थी मैरी कार्डोना, उसके साथ वो रिलेशनशिप में था। उसका एक दोस्त था जो लोकल पिंप है रेमंड सेंटिस, उसकी बात आगे होगी, आगे हम देखते हैं करेक्टर्स के बाद। नॉवल ओपन होता है जब उसको एक टेलीग्राम मिलता है, और टेलीग्राम में ये लिखा हुआ है कि यस्टरडे मदर डाइड, कल माँ मर गई। तो इस टेलीग्राम को देख के एक लड़के को, जैसे हम आम समाज में बात करते हैं कि भाई दुखी होना चाहिए कि उसकी मदर मर चुकी है, पर वो अपसेट नहीं हुआ। वो अपसेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक तो वो गरीब है, और दूसरा उसकी जो उसके जो उसका जो वो अपनी लाइफ में करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा। उसके लिए जो सिचुएशन है, उसका एनवायरनमेंट है, उसके जो हालात हैं वो एब्सर्ड हैं। तो वो क्यों नहीं रो पा रहा, इससे हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो उसको रोना चाहिए, वो नहीं रो पा रहा, पर वो अपने एक एग्जिस्टेंस, अपनी चॉइस के साथ वो रह रहा है। तो एब्सर्ड सिचुएशन में एग्जिस्टेंस को वो शो कर रहा है, आगे हम बात करेंगे। तो उसी दिन जो माउट सोल्ट था, वो जो डायरेक्टर ऑफ द होम था, उसको वो मिला, हु पुट्स एन एंड टू माउट सोल्ट्स इनर डिफेंसिवनेस अबाउट सेंडिंग हिज मदर अवे बाय अश्योरिंग हिम शी वॉज हैप्पियर एट द होम दैन शी वुड हैव बीन इन अल्जीरस। ही टेल्स माउट सोल्ट ही हैज़ अरेंज्ड अ रिलीजियस फ्यूनरल इन अकॉर्डेंस विद हर विशेज, दो माउट सोल्ट रिफ्लेक्ट्स प्राइवेटली that his mother was not religious. तो मदर तो जो थी वो ओल्ड एज होम में रहती थी, उसका डायरेक्टर बताता है, वो उसको जाता है ना वहाँ पर, और माउट सोल्ट अपनी मदर का फ्यूनरल तो उसने करना ही है ना, तो इतना भी वो इनसेंसिटिव नहीं है, उसको पता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। और वहाँ का जो डायरेक्टर है उस ऑर्फन एज का, वो बताता है कि भाई सारा कुछ हम वैसे ही करेंगे। इवन जो माउट सोल्ट की मदर है वो काफ़ी रिलीजियस थी, वो उसका रिलीजियस फ्यूनरल होगा। और माउट सोल्ट कहता है कि भाई डायरेक्टर साहब, मेरी मदर इतनी रिलीजियस नहीं थी, तो इतना कोई रिलीजियस फ्यूनरल करने की ज़रूरत तो है नहीं। तो माउट सोल्ट उसके बाद मॉर्चुरी जाता है, मॉर्चुरी जहाँ पे डेड बॉडीज़ होती हैं, और वहाँ पे वो देखता है कि जो केयर टेकर है उसने जवाब दे दिया कि भाई माउट सोल्ट अपनी मदर की डेड बॉडी नहीं देख सकता। तो हालांकि केयर टेकर के साथ दोनों कॉफ़ी पीते हैं और इवन सिगरेट भी पीते हैं, और कॉफिन के बाहर, कॉफिन की वो बड़ी विजिलेंस कर रहा है, मतलब देख रहा है केयर टेकर, हुज क्राइंग इरिटेट्स द अनइमोशनल माउट सोल्ट। और केयर टेकर जो है वो बिना बात से ही रोने लग जाता है कि भाई, मतलब वो ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, और माउट सोल्ट को बड़ी इरिटेशन होती है इसके देख के कि जिसने रोना है वो तो रोता नहीं, और ये नजायज़ ही रोता है, रोते जा रहा है केयर टेकर। अगले दिन फ्यूनरल हुआ, तो थॉमस प्रेस जो था, जो कि ओल्ड एज होम में एक ओल्ड एज मैन है, वो भी वहाँ पर रहता है, थॉमस प्रेस, वो जो कि माउट सोल्ट, मेडम माउट सोल्ट, उसकी मदर, माउट सोल्ट की मदर का क्लोजेस्ट फ्रेंड था, और इवन बहुत कहते हैं कि फैंसी भी था, वो भी एक बुजुर्ग था। तो दे वॉक अक्रॉस द हॉट शिमरिंग लैंडस्केप टू चर्च फॉर द फ्यूनरल विच माउट सोल्ट बेयरली रिमेंबर्स। और भाई एक वो चर्च पे गए, क्योंकि फ्यूनरल तो चर्च में ही होगा, तो वहाँ पे वो दोनों गए, थॉमस प्रेस और माउट सोल्ट। सैटरडे था, माउट सोल्ट गोज़ टू द बीच एंड रन्स टू मैरी, मतलब फ्यूनरल के बाद आगे वो बीच के पास जाता, बीच पे जाता है, वहाँ पे वो मैरी जो उसके साथ एक जो
उसी फॉर्म में, उसी क्लरिकल फॉर्म में, शिपिंग फॉर्म में काम करती है मैरी, उसके साथ वो मिला और वो इंजॉय किया, उसने फ्लर्ट कर रहा था, कॉमेडी मतलब कॉमेडी घर दोनों गए और दोनों ने रिलेशन बनाया होगा तो और मैरी ये सुन के बड़ी मतलब हैरान हो गई कि माउटसॉल्ट की मदर का अभी जस्ट फ्यूनरल ही हुआ है कुछ एक दो। मैरी ये सुन के हैरान थी कि भाई अभी फ्यूनरल हुआ है, अभी फ्यूनरल हुआ है माउटसॉल्ट की मदर का एक दिन पहले तो, और माउटसॉल्ट के ऊपर कोई असर नहीं है इस चीज़ का। तो मंडे हुआ, सैटरडे के बाद मंडे आया, दो दिन बाद माउटसॉल्ट का एक नेबर था जिसका नाम था रेमंड, जो माउटसॉल्ट का दोस्त भी था, रेमंड ने उसको इनवाइट किया डिनर पे और उसने बताया कि भाई जो उसकी मिस्ट्रेस है, उसकी रखेल है जिसको वो आगे मतलब सप्लाई करता है, वो उससे वो रिवेंज लेना चाहता है। और उसने माउटसॉल्ट से एक लेटर लिखवाया ताकि जो उससे चली गई, रेमंड से चली गई उसकी मिस्ट्रेस है, वो उसके पास वापस आए और उसको वो शेम करना चाहता है, उसको वो लज्जित करना चाहता है। प्लीज़ रेमंड नाउ कंसीडर माउटसॉल्ट हिज फ्रेंड। अब देखो उसने लेटर भी लिखा, अब हम ये ही सोचेंगे बार बार कि भाई उसको कोई असर नहीं है, वो कैसे कैसे काम कर रहा है, पर भाई वो उसकी लाइफ ही एब्सर्ड हो चुकी है, वो एग्जिस्टेंशियल वे के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो माउटसॉल्ट रेमंड जो है वो उससे लेटर लिखवाता है और रेमंड कहता है कि भाई तू ही मेरा दोस्त है, तूने मेरा लेटर लिखा। अगले सैटरडे, मंडे के बाद आ गया नेक्स्ट सैटरडे, सैटरडे को माउटसॉल्ट और मैरी ने माउटसॉल्ट और मैरी उसकी गर्लफ्रेंड, माउटसॉल्ट मैरी ने सुना कि रेमंड ने अपनी मिस्ट्रेस को पीटा और एक पुलिस वाला था जिसने उसको, उसकी मिस्ट्रेस को फ्री कराया उससे और रेमंड को झिड़कियां दी, स्कोल्ड किया, शेम किया। बाद में माउटसॉल्ट एग्रीज टू रेमंड रिक्वेस्ट डेट ही टेस्टिफाई टू हर इनफाइडेलिटी। तो भाई उसने ये भी माउटसॉल्ट को फिर एक विनती की, रेमंड ने कहता कि भाई मैं चाहता हूँ कि एक बार माउटसॉल्ट उसकी हेल्प करे क्योंकि उसकी जो मिस्ट्रेस है वो बेवफा है, इनफाइडल है और उसको वो साबित करना चाहता है और वो उसको साबित कराए ताकि वो केस वगैरह लड़ सके और डाइवोर्स वगैरह जो भी है वो कर सके। माउटसॉल्ट जब काम पे था, अपनी जॉब पे था, तो उसने उसको ऑफर आया कि वो पेरिस जा सकता है, अल्जीरिया से वापस पेरिस जा सकता है। अल्जीरिया जो है वो फ्रेंच कॉलोनी है, तो फ्रेंच गवर्नमेंट ही है जो अल्जीरिया में काम कर रही है, तो उसको कहा कि भाई फ्रेंच की कैपिटल, वो पेरिस में अपनी बदली करा सकता है। पर माउटसॉल्ट ने कहा कि कोई मैटर नहीं करता, मैं यहाँ पर भी ठीक हूँ। तो गवर्नमेंट ने तो इसलिए कहा था कि भाई तेरी मदर की डेथ हुई है, तो अपने नेटिव प्लेस पे जा सकता है, पर उसने मना कर दिया माउटसॉल्ट ने। व्हेन मैरी आस्क इफ़ ही वांट्स टू मैरी हर, ही सेज इट मेक्स नो डिफरेंस बट ही विल ही इफ़ शी वांट्स। माउटसॉल्ट की जो गर्लफ्रेंड है मैरी, वो कहती है कि भाई मैं तेरे साथ शादी करना चाहती हूँ। वो कहता है कि कोई चक्कर नहीं, अगर तुझे अच्छा लगता है कि शादी करके तू मेरे साथ रहे तब भी ठीक है, वैसे भी कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो चाहे तो वो शादी करने के लिए भी तैयार है। संडे का दिन आया तो मैरी, माउटसॉल्ट और रेमंड मैसन के बंगलों पर गए। तो रेमंड जो था उसको इस चीज़ की टेंशन थी कि एक अरब जो है उसको अरब उसका पीछा कर रहा है क्योंकि वो जो उसकी मिस्ट्रेस थी वो उसका भाई है। बीच के ऊपर जहाँ पे ये सारे निकले हुए थे, माउटसॉल्ट और मैरी एक दूसरे के साथ खुश थे, माउटसॉल्ट, मैसन और रेमंड बीच के ऊपर वॉक कर रहे थे और अरब और उसका दोस्त अचानक से आ गए। रेमंड स्टार्ट्स अ फाइट बट सरेंडर्स व्हेन कट बाय अरब के पास कोई नाइफ वगैरह था, तो रेमंड और अरब का जो था वो एक वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो रेमंड को चाकू वगैरह लगा अरब से, उस अरब बंदे से।
तो गुस्से में आया रेमंड जो था, उसने वो फिर वापस आया वो लड़ने के लिए, माउट सोल्ट उसके पीछे पीछे आया और उन्होंने अरब को देखा, मिले वो, और बट माउट सोल्ट हैज़ रेमंड गिव हिम हिज गन बट माउट सोल्ट हैज़ रेमंड गिव हिम हिज गन द अरब रिट्रीट्स। मतलब माउट सोल्ट के पास गन थी, उसने रेमंड को कहा कि भाई बंदूक दिखा दे, ये भाग जाएगा यहाँ से। तो अरब वहाँ से चले गया, वो जो मिस्ट्रेस का भाई था। तो गर्मी बहुत थी और माउट सॉल्ट वंडर्स अलोन अलोंग द डेजलिंग रेड ग्लेयर। ही सरप्राइज टू मीट अरब अगेन हु ड्रॉज हिज नाइफ एट द डेजलिंग स्पीयर ऑफ सन रिफ्लेक्टिंग ऑफ इट माउट सॉल्ट शूट द मैन। वो जो अरब था उसको जो भाग गया था गन को देख के, वो वापस आ गया और गर्मी बहुत पड़ रही थी, तो सामने अरब को उसने देखा और उसने माउट सॉल्ट ने उसको भगाने के लिए उसने गोली चला दी और इतना धूप पड़ रही थी और वो गोली से वो जो अरब था वो मर गया। तो भाई कत्ल हो गया उससे। तो माउट सॉल्ट की कोई इंटेंशन नहीं थी, पर वो इंटेंशन हो ना हो, पर वो भाई इतना अंदर से मतलब एक अलग किस्म की उसके अंदर मैच्योरिटी आ गई है कि वो जो भी कर रहा है वो कहता ठीक है, अगर मर गया तो मर गया। तो प्रिजन हुआ, आगे जो पुलिस कार्रवाई थी उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया। तो वो मजिस्ट्रेट भी जो था उसको क्रिश्चनाइज करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसको बाइबल वगैरह पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मैरी एक बार उसके पास आई पर उसको रोक दिया गया कि वो नहीं मिल सकती। माउट सोल्ट कुछ दिन उसको मुश्किल रही पर वो उसके साथ अनुकूलन हो गया उसका, वो प्रिजन में रहने के लिए तैयार था, आराम से वो रह रहा था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उसने अपने कितने ही दिन थे वो या इस याद में गुजारे कि भाई वो अपार्टमेंट में अपने साथ अकेला रहता था, अच्छी उसकी लाइफ थी। एक साल बीत गया जेल में उसका, एक साल बीत गया। फिर उसके बाद केस चल रहा था और जो केस था वो भी मतलब कोर्ट रूम में बड़ा उसका फेमस हुआ कि भाई एक ऐसा बंदा है जो कि बड़ा इनसेंसिटिव है और उसके ऊपर केस चल रहा है। उसने अपनी मदर के फ्यूनरल को भी बड़े इनसेंसिटिविटी से उसने अपनी जिम्मेवारी को पूरा किया था। और माउट सोल्ट ने भी अपना लॉयर खड़ा किया और माउट सोल्ट मैरी विदाउट इंटेंशन क्रिपल्स द डिफेंस बाय रिकाउंटिंग हर फर्स्ट डेट विद माउट सोल्ट द डे आफ्टर हिज फ्यूनरल। और पेशियां हुई तो उसने माउट सोल्ट की जो जो गर्लफ्रेंड थी मैरी, उसने बताया कि भाई फ्यूनरल के एक दिन बाद ही वो उसके साथ डेट पे था। माउट सोल्ट के वकील ने भी बड़ा ये कोशिश की कि भाई इस केस से उसका क्या लेना देना, ये केस उसकी मदर के बारे में नहीं है बल्कि उस बंदे के बारे में है जिसका उससे कत्ल हुआ है उस धूप में उस गर्मी में। पर जो प्रोसिक्यूटर था, जो वकील था जो उसके खिलाफ था, उसने उस कहानी को फ्यूनरल को सारा उसके साथ कनेक्ट कर दिया और उसको माउट सोल्ट को ऐसे दिखाया कि भाई वो तो एक मॉन्स्टर बंदा है जो कि कातिल बंदा है जो कि अपनी मदर के फ्यूनरल के ऊपर भी वो अपनी प्रेजेंस प्रॉपर ढंग से शो नहीं कर पाया, जो कि अगले ही दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बीच के ऊपर जाता है। थ्रू आउट द ट्रायल माउट सोल्ट इज़ मोस्टली काम, ओनली रैंकिंग व्हेन ही फील्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोसीडिंग। इन क्लोजिंग रिमार्क्स द प्रोसिक्यूटर इक्वेट्स माउट सोल्ट क्राइम विद पेरिसाइड बींग ट्राइड इन कोर्ट नेक्स्ट डे क्लेमिंग माउट सोल्ट इज़ मॉरली गिल्टी ऑफ किलिंग हिज मदर। माउट सोल्ट इज सेंटेंस टू डेथ। तो भाई जो जज था उसने भी बड़े ज़्यादा कुछ नहीं देखा, उसने भी कह दिया कि भाई अपनी ये तो एक क्रिमिनल है। जैसे उसको पेश किया गया तो भाई उसका जो माउट सोल्ट का वकील था वो भी कुछ नहीं कर पाया। माउट सोल्ट को मौत की सज़ा सुना दी गई। माउट सोल्ट ने प्ली किया, उसने अपील फिर से की, पर अब जो फैसला था वो इतना मतलब था कि उसको वापस नहीं लिया जा सकता था। उसको बेहड करना था, उसको गिलेटाइन में उसको गला काट देना था, ये उसकी सज़ा उसको मिली थी। पर चलो अब वो कर भी क्या सकता था। फिर वो एक बार से पहले वैसे ही काम हो गया, कहता ठीक है मौत आएगी तो उसको भी देख लेंगे, तो वो भी ज़्यादा टेंशन में नहीं था। शैपलिन आया और उसने माउट सोल्ट को बताया कि भाई ऐसे ऐसे मौत के बाद उसके साथ होगा। और शैपलिन चला गया और माउट सोल्ट को इस चीज़ का कंफर्ट हुआ, माउट सोल्ट फील सम कंफर्ट इन थिंकिंग अबाउट द पैरेलल्स बिटवीन हिज सिचुएशन एंड हाउ ही थिंक्स हिज मदर मस्ट हैव वेल्ट व्हेन शी वाज सराउंडेड बाय डेथ एंड स्लोली डाइंग एट द रिटायरमेंट होम।
Yelling at the chaplain has emptied him of all hope or thoughts of escape or the successful appeal, so he is able to open his heart to the benign indifference of the universe, after which he decides that he has been and still happy. तो भाई उसके साथ तो ये सारा एब्सर्ड ही था. उसका उससे जो कत्ल हुआ उसकी उसको सज़ा मिली, पर उसको सज़ा उस अरब के कत्ल के कारण नहीं मिली थी, बल्कि उसका कनेक्ट उसका जो सारा जो केस था उसकी मदर के फ्यूनरल के साथ कनेक्ट कर दिया गया था. तो उसने एक उसको ये भी हुआ, चलो उसकी मदर की भी डेथ हुई, वो भी जा रहा है, पर उसको इस पहले गुस्सा आया कि वो अपील नहीं कर सकता, और बाद में उसने कहा भी उसकी तो जो जैसे हम कह देते हैं किस्मत ही ऐसी, अब क्या करें, उसका जो एब्सर्डिटी में वो रह रहा है, अब क्या करें. तो उसने स्टिल वो लास्ट में उसने मौत को भी खुशी खुशी ले लिया, और वो लास्ट मोमेंट पे भी खुश था जब उसका गला काट के उसको मौत की सज़ा सुनानी थी. हिज फाइनल अजर्शन इज़ दैट अ लार्ज हेटफुल क्राउड एट हिज एग्जीक्यूशन विल एंड हिज लोनलीनेस एंड ब्रिंग एवरीथिंग टू द कंज्यूमेट एंड. वो कहता है कि भाई मैं अकेला मरूंगा, चलो दर्शक होंगे, लोग मेरे सामने होंगे, और वो भीड़ जो है वो मेरी लोनलीनेस को ख़त्म करेगी. तो इस ढंग से वो उसको एक अच्छा उसका अंत होगा. तो यहाँ पे ये जो नॉवल है इसकी समरी ख़त्म होती है. थैंक यू सो मच.